ये लगाऊं, आखिर में क्या लगाऊं, कौन सा सेंसर सही रहेगा, क्या करूं मेरे लिए। ओ गाइस, क्या आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हो? क्या आप भी फ्यूल सेंसर लगाना चाहते हो? आपको नहीं मालूम कि कौन सा फ्यूल सेंसर लगाना चाहिए, कौन से फ्यूल लेवल सेंसर आपको क्या क्वालिटी देगी, क्या रीडिंग देगी और क्या सही है आपके लिए? तो गाइस, इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है गाइस। और अगर आप ट्रक के मालिक हो या कोई भी वाहन के मालिक हो तो ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ राज अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी राज। दोस्तों, चलिए करते हैं काम की बात बिना किए कोई बकवास। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा फ्यूल लेवल सेंसर आपके लिए कारगर है और कौन सा फ्यूल लेवल सेंसर आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इससे भी मजेदार और टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आते हैं वीडियो पर। दोस्तों, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आज मैं टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे हाथों में है फ्यूल लेवल सेंसर, तो फ्यूल थ्रेट सेंसर भी इसे बोल सकते हैं। दोस्तों, आपकी पास अगर कोई ट्रक है या आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको डर लगता है कि वो ड्राइवर चला रहा है और आपके फ्यूल को चोरी कर रहा है, हर ट्रिप में चोरी कर रहा है, आपको जो बचत होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने भी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप जाकर वो वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डिटेल में आपको आज मैं और बता रहा हूँ। गाइस, नंबर वन में आता है ये मेड इन इंडिया सेंसर, तो आप इसकी लंबाई देख पा रहे हो गाइस। ये लंबाई जो होती है गाइस, हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में आपको कुछ बातें बतलाएंगे जिसमें होता है एक एनालॉग और एक डिजिटल, कुछ वर्ड आने वाले हैं, तो मैं आपको पहले इस वर्ड के बारे में क्लियरिफाई कर दूं। एनालॉग जो वर्ड होता है, ये होता है आपको ये जो आपके जो मीटर्स में जो वोल्टेज जनरेट होती है, जो कि वो आपको इसमें बताता है, ये एनालॉग में होता है। और ये डिजिटल क्या होता है कि इस वोल्टेज को वो आपको लीटर में आपको कन्वर्ट कर देता है और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो परफेक्ट आती है, तो वो हो जाता है डिजिटल। तो गाइस, ये एनालॉग सेंसर की एक्यूरेसी जो होती है ऑलमोस्ट डिजिटल सेंसर के मुकाबले कम होती है। तो गाइस, इसकी जो एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी इंडिया मेड के अराउंड 90% से लेकर 95% तक आ जाती है। और इस सेंसर की बात की जाए तो इसकी लंबाई जो होती है आपके गाड़ी के टैंक के मेजरमेंट के हिसाब से ली जाती है। अगर आपके गाड़ी का टैंक अगर 400 लीटर का टैंक है तो उसकी अगर मान लीजिए 24 इंच या 25 इंच का अगर है तो उसकी या 25 फीट का है तो आप हम उसके हिसाब से हम इसको बनवाते हैं गाइस। तो इसे हम मेजरमेंट हम इसे प्री बनाते हैं, तो प्री ऑर्डर इसे हम लेते हैं और उसको बनाते हैं गाइस। इसको कट नहीं कर सकते हैं, ये बना बनाया जाता है। अगर मेजरमेंट की जरा सा भी कुछ भी गलती होती है तो इसके लिए ये सही तरीके से फिट नहीं होगा और एक्यूरेसी लेवल आपको नहीं मिलेगा। इसमें एक डिसएडवांटेज है। और बात की जाए इसके एडवांटेज की, तो दोस्तों अगर हम गाड़ी चलवा रहे हैं और हमें लो बजट में हमें सेंसर लगवाना है और हमें सिर्फ पता करना है कि हमारा ड्राइवर चोरी कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सेंसर आपके लिए बेस्ट सेंसर है, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, और हो रही है तो कितनी हो रही है, एक्यूरेट तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, 5-6 लीटर या 10 लीटर के आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा अगर आप 300 या 400 लीटर का टैंक है, लेकिन आपको ये जरूर मालूम पड़ जाएगा गाइस कि आपकी गाड़ी में चोरी हो रही है। तो गाइस, ये सेंसर की कीमत की बात की जाए तो ये सेंसर अराउंड 10 से 12 हज़ार के रेंज में आ जाता है। अगर इसके फुल सेटअप की बात की जाए तो 15 से 16 हज़ार के रेंज में ये फुल सेंसर का पूरा कोर्स आपको इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर सेंसर पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो ये सेंसर है मेड इन चाइना। तो गाइस, मेड इन चाइना के हिसाब से अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई अराउंड 700 mm आती है। मेरे हाथ में अभी डेमो पीस है और यह है एक एनालॉग सेंसर। और दोस्तों, ये एनालॉग सेंसर होने के कारण ये हमें एक एडवांटेज इसमें ये मिलता है इंडियन सेंसर के मुकाबले में कि इसकी जो हमें जो प्री जो हम लोग ऑर्डर देना पड़ता है या फिर हमें जो कोई अगर गलती से मेजरमेंट अगर सही नहीं हुआ तो हमारी वो सेंसर बिल्कुल वेस्ट चल जाता था, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हम ऑन द साइट गाड़ी में बिल्कुल एक्यूरेट लेकर इसको यहाँ पर एक मार्क देकर हम कट कर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंडियन सेंसर के मुकाबले में इसकी जो
एक्यूरेसी होती है गाइस इसकी थोड़ी सी अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है 94-96% गाइस। तो इस सेंसर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसकी प्राइस में ऑलमोस्ट वेरिएशन 1000-2000 रुपये का होता है, तो 17-18 हज़ार रुपये के रेंज में ये गाइस ये पूरा का पूरा सेटअप आपको मिल जाता है। तो गाइस आप इस सेंसर को भी आप ट्राई कर सकते हो। गाइस अभी हम आ गए हैं अपने थर्ड सेंसर पे, आप देख पा रहे हो गाइस मेरे हाथ में है ये RS-485 का जो कम्युनिकेशन वायर है गाइस ये है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एनालॉग और डिजिटल दोनों ही सेंसर इसमें मिले हुए हैं। आप चाहो तो इसे एनालॉग के हिसाब से काम कर सकते हो, आप चाहो तो डिजिटल के हिसाब से काम कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में पुराना GPS लगा हुआ है जो कि एनालॉग सपोर्ट करता है ये सेंसर, तो आप एनालॉग में फिट कर सकते हो। अगर आप नया सेटअप करना चाहते हो तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप RS-485 डिजिटल सेंसर के डिवाइस को ही आप लगाएं, जिससे आपको 100 आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिल पाए। 100% एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगी गाइस, इसकी जो एक्यूरेसी लेवल होती है 96-98% के करीब आपको एक्यूरेसी मिल जाती है। बहुत ही अच्छा सेंसर है, 90% पीपल जो होते हैं गाइस यही सेंसर लगाते हैं। और गाइस इसकी अगर प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो प्राइस रेंज गाइस इसका आ जाता है अराउंड करीबन 18,000 से लेकर 20,000 रुपये तक के रेंज में आपको ये इसका सेटअप का कॉस्ट आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है गाइस। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं गाइस। गाइस ये आ गया है हमारा मेड इन रशिया। तो गाइस ये जो सेंसर की साइजेस है गाइस, इसकी जो आती है साइज ये 1000 mm से स्टार्ट होती है और 700 mm तक हमें मिल जाती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम चाहो तो इसे अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं गाइस ये जो सेंसर है लाजवाब सेंसर है, और हर पसंदीदा जो भी इसको पसंद करता है लगाने के लिए तो यही सेंसर लगाता है गाइस। और मैं आपको बताऊंगा ये ओमनीकॉम का बेहतरीन सेंसर है गाइस। ये कंपनी जो होती है ये एक्यूरेट और 100% रिजल्ट देती है। तो गाइस इसे आप ट्राई कर सकते हो, और ये 99% इसकी एक्यूरेसी इसमें मिल जाती है गाइस इस सेंसर में। इसमें गाइस इसकी जो कॉस्टिंग की अगर बात की जाए तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड गाइस थोड़ी सी महंगी पड़ती है। अगर इसके टोटल सेटअप की अगर हम बात करें तो इसके साथ हमें टेल्टोनिका का, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, तो टेल्टोनिका का डिवाइस लगाना चाहिए इसके अंदर में, वो भी डिजिटल डिवाइस लगाना चाहिए। तो FME 125 या इसके ऊपर के डिवाइस को मैं सजेस्ट करता हूँ गाइस। और इसके साथ जो सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसका सॉफ्टवेयर भी जो होता है गाइस ओमनीकॉम की तरफ से इसके सॉफ्टवेयर मिलता है, या फिर वायलेंट सॉफ्टवेयर इसका बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर होता है गाइस। वो सॉफ्टवेयर के अगर लगाया जाए तो पूरे कॉस्ट की अगर बात की जाए तो अराउंड 22,000 से 25,000 के रेंज के बीच में गाइस विथ इंस्टॉलेशन इसकी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइस इससे बेटर सेंसर कुछ भी नहीं है। लेकिन होता है क्या गाइस कि लोगों के पास थोड़ा बजट कम होता है, लोग इतने पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो लोग ये सेंसर को लगाने में हिचकिचाते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मैं राय देता हूँ गाइस, ये सेंसर अगर आपकी गाड़ी में अगर असलियत में चोरी हो रही है, अगर फुल चोरी हो रहा है, फुल थेफ्ट हो रहा है, तो आप इस सेंसर को मैं रिकमेंडेड करूंगा। कारण क्या है कि अगर आपकी गाड़ी में अगर एक ट्रिप में 10 लीटर या 15 लीटर अगर चोरी हो रहा है तो गाइस आप हिसाब लगा लो डीजल का। अगर हम 100 rupees भी अगर डीजल लेते हैं गाइस तो आपको 1000 rupees से लेकर 10 लीटर की अगर चोरी हो रही है, 1000 रुपये आपको एक ट्रिप में सेव हो रहा है, तो आपके एक महीने में इस सेंसर का कॉस्ट ऑलमोस्ट आपको निकल जाता है। अगर एक साल की बात की जाए तो गाइस आप सोच लो 2.5 से 3 लाख रुपये आपके टोटली आपके मतलब आपके प्रॉफिट नुकसान हो रहा है गाइस आपको। तो ये सेंसर भी आप ट्राई कर सकते हो गाइस। तो मैंने आपको सारी जानकारी आज इस वीडियो पर बता दी है, तो आपको कौन सा सेंसर लगाना चाहिए। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो गाइस, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा गाइस। इससे पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है गाइस, ये सेंसर लगाने की नौबत आपको नहीं आए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ड्राइवर भाई के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। हमारे पिछले वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले थे कि आपने ये तो बता दिया, आप मुझे ये बताओ कि सेंसर को कैसे निकालते हैं, कैसे हम इसे बच सकते हैं। अगर आप ये भी तो बताओ कि हमें इतनी कम सैलरी मिलते हैं, उनके बच्चे उनके उनके परिवार कैसे चलेंगे। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्राइवर को कम पैसे दोगे या फिर आप उनके हक के पैसे अगर आप उनको अगर नहीं दे रहे हो, कुछ भाई लोग देते होंगे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, जो देते हैं और फिर भी चोरी हो रही है तो वो गलत है, आप ये बिल्कुल गलत है। इन सारी चीज़ों को फिर आपको ट्राई करना चाहिए। जो भाई पैसे भी सही दे रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर चोरी हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है। और जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं सही से,
कुछ ड्राइवर्स को बहुत ही कम तनख्वाह में दी जाती है, 5 से 6 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये के रेंज में दिया जाता है। तो उनका कहना ये होता है कि इतने कम पैसे में हमारा गुजारा नहीं होता है और हम चोरी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो मजबूर हो जाते हैं अब वो लीटर डीजल या पेट्रोल चोरी करने के लिए। तो गाइस मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उस और भी ध्यान दीजिए, तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपको फुल सेंसर लगाना पड़े। तो मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।